हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे और आपके ऑनलाइन टेक इन्फो चैनल पर। आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ई पासपोर्ट के बारे में। भारत में अब पासपोर्ट की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। पासपोर्ट को सुरक्षा पुख्ता होने के काफ़ी ज़रूरी होता है। पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करके लोगों भारी से भारी घटनाओं का अंजाम दे सकता है। इस वजह से भारत सरकार ने अब साधारण पासपोर्ट को ई पासपोर्ट में बदलने का फैसला किया है। ई पासपोर्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है। ई पासपोर्ट में एक चिप लगी हुई होगी जिसमें आपके सभी डिटेल्स को सिक्योर रखा जाएगा। अभी तक जो पासपोर्ट बनते हैं उनमें साधारण तौर पर सभी जानकारियाँ लिखी होते हैं और कोई बार पासपोर्ट खो जाने पर कोई गलत व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल भी करने लगता था। अभी ऐसे में ई पासपोर्ट के आने के बाद गलत इस्तेमाल कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। ई पासपोर्ट के सिप में आपका नाम, आपका पता, डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारियाँ तो है, साथ में आपका जो फिंगरप्रिंट, आई रेटिना और आपके फेस की तस्वीर से कोई यूनिक चीज़ें इंस्टॉल होगी। इन तरीक़े से आपकी पहचान को बदल नहीं पाएगा। ई पासपोर्ट के आने के बाद पासपोर्ट संबंधी होने वाले सभी फ्रॉड बंद हो जाएगा। शातिर से भी शातिर फ्रॉड के लिए भी किसी के पासपोर्ट का गलत करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ यूज़र्स के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया भर काफ़ी सारे देश में ई पासपोर्ट के सुविधा काफ़ी पहले से शुरू की जा चुकी है और भारत में इस सुविधा का लॉन्च किया जा रहा है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो को कुछ भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। तो मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।